अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईबीए के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने मंगलवार को कहा कि भारत महिला मुक्केबाजी की राजधानी बन गया है। क्रेमलेव के मुताबिक भारत आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के साथ महिलाओं की इस सबसे बड़ी मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए पूरी तरह तैयार है। इस चैंपियनशिप का आयोजन बुधवार से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में केडी जाधव इंडोर हॉल में होना है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI की मेजबानी में यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में तीसरी बार हो रहा है। इससे अधिक बार चैंपियनशिप के इतिहास में किसी भी देश ने इसकी मेजबानी नहीं की है। पिछले दो संस्करण 2006 और 2018 में नई दिल्ली में हुए थे। क्रेमलेव ने रियो ओलंपिक चैंपियन फ्रांस की एस्ले मोसेली और मौजूदा अफ्रीकन चैंपियन सियरा लियोन की सारा हागी घाट जू के साथ साथ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह की मौजूदगी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत महिला मुक्केबाजी की राजधानी बन गया है और अब हम एक साथ ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। आमतौर पर 250 से 260 मुक्केबाज इस तरह की चैंपियनशिप में भाग लेते हैं, लेकिन इस साल ये एक बहुत बड़ी चैंपियनशिप है। इस चैंपियनशिप के आगामी 13वें संस्करण में खिताब के लिए 65 देशों के 300 से अधिक मुक्केबाजों के बीच मुकाबला होगा। ये खिलाड़ी 12 भार वर्गों में हिस्सा लेंगे। इस साल इस चैंपियनशिप के लिए 20 करोड़ रुपए का विशाल पुरस्कार पूल होगा। BFI अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत का तीसरी बार चैंपियनशिप की मेजबानी करना इस बात का प्रमाण है कि भारत मुक्केबाजी में एक वास्तविक शक्ति है। जैसा कि IBA अध्यक्ष ने कहा कि ये वास्तव में दुनिया में महिला मुक्केबाजी की राजधानी बन गया है। हमारे लिए और भी खुशी की बात यह है कि इस खेल ने हमें अपने देश में महिलाओं को सशक्त बनाने में सक्षम बनाया है और हम मुक्केबाजी को उन रास्तों में से एक के रूप में देखते हैं। 15 मार्च से लेकर 26 मार्च तक चैंपियनशिप चलेगा और जैसे मैंने अभी कहा 65 से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं। 330 एथलीट्स भाग ले रहे हैं। सो सबसे बड़ी चैंपियनशिप है और दुनिया की एक महत्वपूर्ण चैंपियनशिप जिसको कह सकते हैं। सर, इस तरीके की चैंपियनशिप जब इंडिया में होती है तो जो विलेजेस हैं, जो गाँव वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनमें और जो छोटे शहरों में लड़कियाँ हैं उनमें कितना एक जोश बढ़ता है और इस फील्ड में आने के लिए? मुझे तो लगता है कि बहुत उनका हौसला बढ़ता है, उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। भारत के बॉक्सर्स हैं, कई ऐसे बॉक्सर हैं जो छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे शहरों से आए हैं और वो विश्व चैम्पियन बन गए, तो उनको देखकर और बहुत प्रेरणा मिलती है। और दूरदर्शन के माध्यम से ये गांव-गांव में टेलीकास्ट होगा, सोनी स्पोर्ट्स भी इसको टेलीकास्ट करेगा, तो हमें लगता है कि एक अवसर है खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, कि स्पोर्ट्स को वो अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। सर, जो बॉक्सिंग के प्रेमी हैं वो वहाँ जाकर अगर देखना चाहें तो उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन? देखिए, एक PayTM पे हमने टिकट्स इसके रखे हैं, बहुत ही सस्ते टिकट हैं, शायद 100 रुपये से कम के टिकट हैं, तो वहाँ पर आप टिकट ले सकते हैं। जहाँ तक ओपनिंग सेरेमनी का सवाल है, उसमें टिकट नहीं है, कोई भी आ सकता है। कल 5:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी है जब इंदिरा गांधी स्टेडियम पे, तो कोई भी आ सकता है। और 16 तारीख से जो टिकट्स हैं वो, जैसे मैंने कहा, PayTM पे अवेलेबल है।